Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello, good morning students. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Okay students, then our next question is question number 6, and in this question we have given that Rita goes 20 km towards east from a point A. Means Rita is here now. Rita जो है वो यहाँ पर है फिलहाल, तो हम कह सकते हैं इस पोजिशन को हम क्या कहेंगे, जीरो. ठीक है, तो वो इस पोजिशन पर है, वो पॉइंट ए पर है रीता अभी. देन सी गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. अब वो ईस्ट के साइड जो है वो 20 किलोमीटर जाती है, और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 20 किलोमीटर, और कहां पहुंच जाती है, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. वो पॉइंट बी पर चली जाती है. मीन्स रीता रीच टू पॉइंट बी एंड सी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर. ओके, रीता ने जो है यहां से यहां तक जब हो गई है तो उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है. अगर इसको हम जीरो कहेंगे तो यहां पर जो पॉइंट बी है दैट विल बी अवर इंटीजर 20. ओके, ये टोटल डिस्टेंस जीरो से 20 तक का उसने कवर किया है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया है. देन फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. अब यहां से वो वेस्ट साइड में आती है. देखो ये ईस्ट है, ठीक है, अब वेस्ट मीन्स वापस रिटर्न आ रही है अलोंग द सेम रोड, उसी रोड से. ठीक है, जो वेस्ट साइड में आती है. इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स इफ वी रिप्रेजेंट दिस 20 किलोमीटर एज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, दैट मीन्स जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए बिल्कुल सिंपल है, जीरो के राइट साइड में जो जा रही है तो उसको हमने पॉजिटिव इंटीजर कहा, तो अब वो वापस लेफ्ट साइड में जब आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, दैट मीन्स डिस्टेंस टुवर्ड्स द ईस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर एंड द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट विल बी नेगेटिव इंटीजर. ओके, डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट इज नेगेटिव इंटीजर. ओके, दैट मीन्स डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट इज नेगेटिव इंटीजर, उसको हम जो है किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए. मीन्स उसकी जो फाइनल पोजिशन है, फाइनली जो वहां जो जो पहुंच गई है वेस्ट साइड में, तो उसकी जो पोजिशन है उसको आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे कि ए से जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि भाई जीरो से रीटा जो है 20 किलोमीटर इस साइड रही है. अब 20 किलोमीटर वो जा रही है, उसको वापस 30 किलोमीटर इधर आना है. दैट मीन्स वो 20 किलोमीटर तो ये कवर करेगी और 10 किलोमीटर आगे जाएगी यहां पर. ओके, तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, या दूसरी मेथड हमारी है कि हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से उसकी फाइनल पोजिशन क्या होगी. तो देखो वो पहले यहां साइड गई है, मीन्स प्लस ट्वेंटी जो है ये रखेंगे आप. ठीक है, देन जो रिटर्न आ रही है वो वेस्ट साइड में जब जाती है तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है नेगेटिव इंटीजर से. दैट मीन्स उसको हम क्या कहेंगे, -30. जो 30 किलोमीटर है उसको आप नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -10 किलोमीटर, या -10 जो है
वो आप इसको रिप्रेजेंट आपने किया है कि नेगेटिव 10 आपका ये आएगा फाइनल जो उसकी पोजीशन है वो ए से किस साइड में है, वेस्ट साइड में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करती है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। इट्स अ मैजिक स्क्वायर और इस मैजिक स्क्वायर में आपको रो कॉलम और डायगोनल का जो है प्लस करके देखना है, ऐड करके देखना है उसका, बिकॉज इन्होंने कहा है कि सबका जो सम है टोटल है वो कैसा आएगा, सेम आएगा, दैट मीन्स इक्वल होगा। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, आपको ऐसा ही मैजिक स्क्वायर और दिया होगा, ठीक है वो भी देखते हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं हम कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। देखो अगर इनका टोटल इक्वल आता है दैट मीन्स इट इज अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम रो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं रो, उसमें जो है सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो आप लेते हैं और फर्स्ट रो में आपको जो नंबर्स दिए हैं दे आर 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4, आपको इन सभी नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 5 प्लस साइन एंड माइनस साइन क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 हो जाएगा एंड प्लस माइनस विल बी माइनस 4। ओके चलिए अब देखेंगे 5 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स 5 आप एज इट इज रखेंगे एंड माइनस 1 एंड माइनस 4 बोथ द इंटीजर हैव नेगेटिव साइन, दैट मीन्स इन दोनों इंटीजर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बिकॉज सेम साइन है, ठीक है। किसी भी इंटीजर्स में सेम साइन होती है तो उसको आप ऐड कर देते हैं, माइनस 1 एंड माइनस 4 विल बी माइनस 5 एंड 5 माइनस 5 विल बी 0, दैट मीन्स द सम ऑफ फर्स्ट रो इज 0। ओके लेट्स टेक द सेकेंड रो, इन सेकेंड रो द नंबर्स आर माइनस 5 प्लस माइनस 2 प्लस 7, ओके एंड अब क्या करेंगे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे इनका, तो ये होगा माइनस 5 एंड प्लस माइनस विल बी माइनस 2 देन प्लस 7, ओके माइनस 5 माइनस 2 प्लस 7, वी कैन सी दैट these two integers have same sign, that means we have to add them, minus 5 and minus 2 will be minus 7, okay, this is minus 7 and plus 7, minus 7 and plus 7 have different signs, that means this 7 has negative sign and this 7 has positive sign. When two integers have different sign, then we have to subtract them. That means minus 7 and plus 7 will be 0 again. Okay? And in the third row, the numbers are 0, 3 and minus 3. 0, 3 and minus 3. Okay? Now, 0 plus 3 प्लस एंड माइनस विल बी माइनस 3, ओके जीरो जो है वो मीनिंगलेस है, यहां पर उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं किसी भी, बराबर ये न्यूट्रल नंबर है एडिशन के लिए, दैट मीन्स इसको आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ इसको सोल्व कीजिए प्लस 3 एंड माइनस 3, प्लस 3 एंड माइनस 3 विल बी 0, ओके दैट मीन्स द सम ऑफ ईच रो इज 0। ओके अब आप कॉलम भी चेक कर लीजिए कि कॉलम का टोटल क्या आता है। ओके देन अब हम देखते हैं कॉलम का टोटल, चेक करते हैं कि कॉलम का टोटल क्या होगा, तो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आपको नंबर्स दिए हुए हैं प्लस 5 माइनस 5 एंड 0, प्लस 5 माइनस 5 एंड 0, तो आप क्या करेंगे प्लस 5, अब इसमें देखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 प्लस 0,
ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जीरो जो है वो एडिशन के लिए न्यूट्रल है, दैट मीन्स वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको सोल्व कीजिए, प्लस फाइव एंड माइनस फाइव विल बी जीरो, ओके, दैट मीन्स द सम ऑफ फर्स्ट कॉलम इज जीरो। चलिए सेकेंड कॉलम चेक करते हैं, द नंबर्स इन द सेकेंड कॉलम आर माइनस वन, माइनस टू एंड थ्री, माइनस वन, माइनस टू एंड प्लस थ्री, ओके। तो ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो माइनस वन होगा ये प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस टू एंड दिस विल बी माइनस सॉरी प्लस थ्री, ओके। अब यहां पर आप क्या देखेंगे, देखिए माइनस वन एंड माइनस टू क्या हो जाएगा, ये माइनस थ्री होगा आपका एंड दिस इज प्लस थ्री। वी हैव टू इंटीजर्स एंड वन ऑफ देम हैव नेगेटिव साइन एंड अनदर हैव पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस थ्री माइनस थ्री विल बी जीरो, ओके, दैट मीन्स द सम ऑफ द सेकेंड कॉलम इज ऑल्सो जीरो। चलिए थर्ड कॉलम से कर लेते हैं, थर्ड कॉलम में जो है इसका टोटल क्या होगा, एंड द नंबर्स आर माइनस फोर, सेवन एंड माइनस थ्री, ओके। नाउ ओपन द ब्रैकेट, माइनस फोर प्लस सेवन एंड माइनस थ्री, ओके। नाउ माइनस फोर एंड माइनस थ्री बोथ हैव नेगेटिव साइन, दैट मीन्स वी हैव टू एड देम, ओके, माइनस फोर एंड माइनस थ्री विल बी माइनस सेवन एंड प्लस सेवन, ओके, माइनस सेवन एंड प्लस सेवन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स द सम ऑफ थर्ड कॉलम इज ऑल्सो जीरो, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है डायगोनल्स देखते हैं, डायगोनल का टोटल आप करके देखेंगे तो डायगोनल्स होती क्या है, तो यहां पर देखिए ये जो है ऐसे इस साइड जो आ रहा है ये वाला, इसको क्या कहते हैं हम, डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। वी हैव टू डायगोनल, एक ऐसे है और दूसरा ये वाला साइड का, ठीक है। तो पहले इसको आप करके देखते हैं क्या होगा, फर्स्ट डायगोनल में नंबर है आपके फाइव, माइनस टू एंड माइनस थ्री, ओके, सो फाइव प्लस माइनस विल बी माइनस टू एंड दिस इज माइनस थ्री, ओके। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव टू इंटीजर्स एंड द साइन ऑफ बोथ द इंटीजर्स हैव नेगेटिव, दैट मीन्स दे हैव सिमिलर साइन, ओके। तो क्या करना होगा हमको, इनको एड करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया सिमिलर साइन होती तो आप क्या करते हैं उसको एड करते हैं, दैट मीन्स माइनस टू एंड माइनस थ्री विल बी माइनस फाइव एंड प्लस फाइव एंड माइनस फाइव विल बी जीरो, दैट मीन्स द सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल इज जीरो, द सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल इज जीरो। लेट्स चेक अनदर डायगोनल, द सेकेंड डायगोनल इज दिस वन, ओके, माइनस फोर माइनस टू एंड जीरो। चलिए ब्रैकेट जो है आप इसका रिमूव कर दीजिए सबसे पहले, तो माइनस फोर प्लस माइनस विल बी माइनस टू एंड प्लस जीरो, एज वी ऑल नो दैट जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर फॉर एडिशन, सो देयर इज नो नीड टू राइट दिस नंबर, ओके, दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व ओनली दीज टू नंबर्स एंड बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, दैट मीन्स वी हैव टू एड दिस नंबर्स, माइनस फोर एंड माइनस टू विल बी माइनस सिक्स, माइनस फोर एंड माइनस टू विल बी माइनस सिक्स। आप देखेंगे आप सभी का टोटल जीरो आया था, बट इस डायगोनल का जो टोटल है दैट इज माइनस सिक्स, ओके। तो क्या ये मैजिक स्क्वायर है, नहीं ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, अगर ये मैजिक स्क्वायर होता तो रो कॉलम और डायगोनल्स का टोटल क्या होना चाहिए था, आपका इक्वल होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, बराबर। सभी का टोटल सेम आया है, सभी रो का टोटल सेम आया है, कॉलम्स का टोटल सेम आया है, डायगोनल जो है उसका भी एक का टोटल जीरो आ गया है, बट सेकेंड जो डायगोनल है उसका टोटल आपका क्या है, माइनस सिक्स है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो देखते हैं सेकेंड बॉक्स जो आपको दिया हुआ है, दैट इज मैजिक बॉक्स इसको कहा गया है, बट हमको चेक करना होगा कि ये एक्चुअल में मैजिक बॉक्स है या नहीं है। जो फर्स्ट बॉक्स था वो मैजिक बॉक्स नहीं था, ठीक है।
सेकंड बॉक्स भी आप सेम मेथड से चेक करने वाले हैं। आपको क्या करना होगा, इसके रोज का टोटल करना होगा, इसके कॉलम्स का टोटल करना होगा और इसके डायगोनल्स का टोटल भी करना होगा, ठीक है। और सभी का टोटल अगर इक्वल आ जाता है, सेम आ जाता है, दैट मीन्स ये क्या है, मैजिक बॉक्स है। ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, रोज लिए हैं, इसलिए जो फर्स्ट जो रो है आपकी और फर्स्ट रो के नंबर है दे आर 1, -10 and 0। ओके, नाउ 1 + -विल बी -10 and there is no need to write 0 as it is a neutral number for addition, that means उसको add करने पर कोई effect होता नहीं है, तो मैं 0 को नहीं लिख रहा हूं यहां पर। अब आप इसको solve करेंगे, you can see that we have two integers, one is +1 and another is -10, both the integers have different sign, that means we have to subtract them, so subtract 1 from 10, 10 minus 1 will be 9 and the sign will be of the greater integer, okay, that means जो बड़ा integer दोनों में जो greater integer है उसका sign आपको यहाँ पर रखना होगा, तो इसका sign कौन सा आएगा यहाँ पर, negative, as 10 is greater than 1, okay, चलिए चेक करते हैं second row and the numbers on the second row are -4, -3 and -2, ओके, -4, -3 and -2। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको आपको रिमूव करना है यहां से, देन -4, ±-3, ±-2। ओके, नाउ यू कैन सी दैट ऑल द इंटीजर्स हैव सेम साइन, दैट मींस वी हैव टू एड दीज इंटीजर्स, मीन्स -4, -3 and -2 को आपको क्या करना है, एड करना है, 4 + 3 = 7 + 2 = 9, दैट मीन्स आवर आंसर विल बी -9। ओके, तो सेकेंड रो का जो टोटल है वो भी आपका क्या आ गया है, -9 आ गया है। लेट्स सी द अनदर रो विच इज थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर में जो रो है उसका आपके कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं, तो है -6, +4 and -7, -6, +4 and -7। ओके, तो पहले आप क्या कीजिए, ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए यहां से, ठीक है, तो क्या होगा आपका -6, +4 and -7। ओके, तो आपको जैसा कि पता है पहले हम क्या करते हैं, जो सेम साइन है दैट मींस -6 and -7 हैव द सेम साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन है दोनों में, तो उनको आप दोनों को क्या कर देंगे, पहले ऐड कर देंगे, मींस -6 and -7 विल बी -13 and +4। नाउ वी हैव टू इंटीजर्स -13 and +4, बोथ द इंटीजर्स हैव डिफरेंट साइन, दैट मींस वी हैव टू सबट्रैक्ट देम, 13 - 4 विल बी 9 and the greater number is 13 and the sign of 13 is negative, that is minus, तो आपको यहां पर माइनस का साइन रखना होगा, means इसका टोटल भी क्या आ गया आपका, -9 आ गया, that means the sum of all the rows is same, okay, तो अब हम जो है टोटल करते हैं कॉलम्स का, and our first column is this one and the numbers of this column are 1, -4 and -6, 1, -4 and -6, okay, now 1 + -, will be -4 and +, will be -6, okay, now you can see that we have two integers which have same sign, that is -4 and -6, both the numbers have similar sign, which is minus, which is negative sign, okay, that means आपको क्या करना होगा, दोनों को एड करना होगा, तो 1 - 6 and -4 विल बी -10, ओके, एंड नाउ सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम -10 एंड आवर आंसर विल बी -9, ओके, दैट मींस सम ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज -9। लेट्स टेक अनदर कॉलम एंड द नंबर्स ऑफ दैट कॉलम आर -10, -3 and 4, -10
minus 3 and 4. Now, so remove the brackets of these numbers. Minus 10 plus minus will be minus 3 and plus 4. Now you can see that we have two integers, minus 10 and minus 3, and both the integers have same sign, that means it will be minus 13 and plus 4. Okay, now we have two integers, minus 13 and plus 4, and they have different sign. That means we have to subtract them. Okay, then minus 13 and 4 will be minus 9. Okay, that means the sum of second column is also minus 9. Let's see the third column, and the numbers on the third column are 0, minus 2 and minus 7. Okay, first of all remove the bracket 0, minus 2 and minus 7. As 0 is a neutral number, that means we don't have to write 0 here. Okay, that means minus 2 and minus 7 ये तीन integer ये हमारे पास में हैं, और इनका total क्या होगा? दोनों का total आपका आ जाएगा minus 9, as they have similar sign. Okay, that means the sum of all the column is minus 9. तो students, अब हमको क्या करना है? Diagonal का total करना है. हमारी जो first diagonal है वो ये है, ठीक है? और इस diagonal में कौन-कौन से numbers आपको दिए हैं? तो 1 minus 3 and minus 7. Okay, तो पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट जो है इसका रिमूव कर दीजिए. दैट मींस 1 minus 3 and minus 7. Okay, minus 3 and minus 7 have the same sign, that is negative sign. That means we have to add these two integers. Okay, and that means minus 3 and minus 7 will be minus 10. Okay, now we have two integers, 1 and minus 10. 1 is positive integer and 10 is a negative integer. Okay, that means both the integers have different sign. तो हमको क्या करना होगा, उनको subtract करना होगा. तो 10 में से आप 1 minus कर देंगे तो आपका answer होगा 9 minus 9. Okay, now see the second diagonal, which is 0, minus 3 and minus 6. Okay students, तो हमारा second diagonal है वो है 0, minus 3 and minus 6. As we all know that 0 is a neutral number, that means there is no need to write 0 here. We will directly write this number minus 3 and minus 6. Both the integers have similar sign, that is negative sign. That means we have to add these numbers, minus 3 and minus 6 will be minus 9. Okay, that means the sum of diagonals is also minus 9. अब आपने देखा सभी का जो टोटल है, रो का टोटल, कॉलम का और डायगोनल का, सबका टोटल क्या है, वो सिमिलर जो है टोटल आया था, सबका माइनस 9 था. दैट मींस ये क्या है, ये एक मैजिक बॉक्स है. तो आप यहां लिख सकते हैं इट इज अ मैजिक बॉक्स.